भाई को सारा खोल दिया है। घर से निकला था 6:11 पर। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भर लिया है। हाँ तो धो लो, अवतारी नहीं करनी। बाइक का यार को मसला है, जैसे ही जंप लगता है ना तो टक टक की आवाज आती है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को दिखाने। कल यार मैं गया था, कल उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि कल जुम्मा था। उसने कहा हफ्ते को आना। हर दिन हो गया, इसका जो मसला था वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको दिखा देते हैं। और दूसरा, भाई के कपड़े जो दिए थे ना दर्जी को, वो भी पता करते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि जो बंदा जा रहा है ना ऐसा ना कि वो चला जाए और कपड़े रह जाए, तो वो भी साथ में पता कर लेंगे। और बाइक को भी आज दिखाते हैं, तो चलते हैं अभी बाज़ार। दुकान पर पहुँच गया हूँ और ये देखें आप, बाइक को सारा खोल दिया है। ये सामने शाख थी, शाख भी निकाल दिए। ये टायर था इसके अंदर ना, तो पीछे वो टायर पड़ा है तो टायर भी निकाल दिया। अभी इसका काम हो रहा है, तो देखते हैं कितनी देर में ये कंप्लीट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, शाख का सारा मसला हो गया क्लियर, बिल्कुल एक A1 हो गया माशाल्लाह। घर में 2 के आसपास पहुंच गया था और गर्मी इतनी ज्यादा थी ना, ऊपर से आदमी को रोजा होता है, घर आके सो गया था। अभी आपको सूरज नजर आ रहा होगा, गुरूब होने वाला है। और मैं घर से निकला था 6:11 पर और 6:45 पे मेरे ख्याल में रोज़ा जो अफ्तार होता है। और मैं लेने जा रहा हूँ पानी, यह है बोतल। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पे पानी लेने जा रहा हूँ। घर का जो पानी है वो अच्छा नहीं है, यहाँ का जो पानी है ना बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पानी भरने के लिए। यहाँ पर गंदम की कटाई हो रही है और मैं यहाँ से शॉर्टकट होते हुए यहाँ ये रोड, यहाँ रोड से मैं जाऊँगा, वहाँ पर रश है वो भी आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह ये मैं सोच रहा था कि अपना व्लॉग कहाँ से शुरू करूँ, फिर मैंने सोचा कि यार चलो व्लॉग स्टार्ट ही करते हैं। एक इंडियन है, मैं उनके व्लॉग देखता हूँ तो वो कहते हैं कि आप अपना व्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि आप एक नए व्लॉगर हैं तो आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है। तो आप अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे, आपको टेंशन होगी कि आपको ये व्लॉग कम्प्लीट करना है। टेंशन होती है कि मैंने भी अपना व्लॉग कम्प्लीट करना है। इसी बहाने मैं भी निकला हूँ, चलो पानी भरेंगे और साथ साथ में अपना व्लॉग भी बनाएंगे। 11 पर मैं निकला था, कम से कम 20 मिनट हो गए होंगे। आई ताब मोड़ने चाहिए बता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और घोड़ा अपना ही? अच्छा माशा। बड़ी बोतल थी ना तो वजन भी थी, तो मैं यहाँ से लेके नहीं जा सकता, ऊपर से रोजा था, ये बाजार गया हुआ था। मैंने कहा जैसे अपना काम खत्म करना जल्दी जल्दी मुझे लेने आ जाना, ये रोने से पहले पहले इंशाल्लाह जल्द पहुँच जाए। और यहाँ से पैदल आपको पता है कि तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आया था, जल्दी टाइम से पहुँच गया था। अभी माशाल्लाह ये आ गए बाइक लेके जा रहे हैं घर। तो अभी घर पहुँच गया हूँ, तकरीबन 35-36 मिनट हो गए हैं। 45 रोजा इंशाल्लाह खुलेगा और यहाँ पे दस्तरखान भी लग गया है। ये देखें माशाल्लाह, अफ्तारी का सारा सामान रेडी हो गया है। हाथ तो धो लो, अफ्तारी नहीं करनी। आ जाओ, आओ हाथ धो ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ विशाल, आ जाओ जा। घर के मगरब की नमाज़ पढ़ के मैं अभी फारिग हूँ, तो मैंने कहा चलो इस व्लॉग को एंड करते हैं। और मेरे यहाँ जितने भी व्लॉग हैं ना वो 3 से 4 मिनट के होते हैं, इसके आसपास होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्लॉग हैं वो बड़े बड़े हों, खींच खींच के लंबा करूँ। और मेरी जितनी भी फैमिली अभी तक यूट्यूब पर बनी है ताकि वो बोर ना हो, मेरे व्लॉग देखें, जब उनको मेरे व्लॉग ऐसा ऐसा पसंद आने लग जाएंगे, 5-6 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का, 10-10 मिनट का इंशाल्लाह बनाऊँगा, लेकिन ऐसा ऐसा स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।